पहले के टाइम में आज की तरह इलेक्ट्रिक डोरबेल्स नहीं होते थे, लोग अमूमन दरवाजे पर नॉक किया करते थे। मगर ये कॉन्सेप्ट कुछ समय बाद इवॉल्व हुआ, वो भी एक लोहे के हैंडल के साथ जो कि दरवाजे पर लगाया जाता था, जिसका इस्तेमाल लोग नॉक करने के लिए किया करते थे। ये कॉन्सेप्ट मेडिवल पीरियड में इतना फेमस हुआ कि यूरोप में और इंडिया में भी ये कॉन्सेप्ट बहुत प्रचलित हुआ। जो दूसरा कॉन्सेप्ट डोरबेल को लेकर है वो ये कि पहले के टाइम पर लोग बेल्स को, घंटियों को अपने दरवाजे पर लगा दिया करते थे, तो इसका मतलब ये हो जाता था कि जो भी कोई आता था, जब दरवाज़ा खोलता था तो वो घंटी बजती थी, जिससे एक सिग्नल मिलता था कि कोई आया है। मगर इस कॉन्सेप्ट का डिमेरिट ये भी था कि ये जो बेल्स लगाई जाती थी ये बहुत जल्दी चोरी हो जाती थी, क्योंकि इन्हें चोरी करना बहुत आसान था, आखिरकार ये दरवाजे पर ही लगी होती थी। इसीलिए लोग अलग अलग तरीकों से इन बेल्स को रखते थे, जिससे कि चोरी का खतरा कम हो। स्टीम इंजीनियर एंड इन्वेंटर विलियम मर्डॉक, जो कि ब्रिटिश इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग फर्म बोल्टन एंड वॉट में एक एम्प्लॉय थे, उन्होंने पहला मैकेनाइज्ड डोरबेल इंस्टॉल किया अपने घर में। हालांकि उन्हें मैकेनाइज्ड डोरबेल बनाने का जो क्लू था वो स्टीम इंडस्ट्री में काम करते हुए ही मिला। उन्होंने जो डोरबेल बनाई वो ऑपरेट होती थी पाइप्स और कंप्रेस्ड एयर के सिस्टम से। पहली इलेक्ट्रिक डोरबेल 1831 में जोसेफ हेनरी के द्वारा बनाई गई, जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। ये बाद में चलकर स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन के पहले सेक्रेटरी बने। हालांकि ये जो डोरबेल थे वो 1913 में जाकर पॉपुलर हुए, जब इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर्स का इन्वेंशन हुआ, जिसने एलिमिनेट किया एक्सपेंसिव बैटरी एनर्जी सोर्सेस को। अब डोरबेल्स जो थे वो इजीली हाउसहोल्ड इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में कनेक्टेड हो सकते थे, जो कि बहुत सस्ते पड़ते थे और इनका मेंटेनेंस भी था वो बहुत आसानी से हो सकता था। पहले के जो डोरबेल्स होते थे उनमें जो साउंड प्रोड्यूस होते थे वो बड़े ही लाउड बजिंग साउंड्स होते थे, जो कि बड़ा ही अनप्लीजेंट सा लगता था। लेकिन 1930 में जब इलेक्ट्रिक डोरबेल्स का इन्वेंट हुआ तो उसमें से जो साउंड्स निकली या उसमें जो साउंड यूज़ किया गया, जो म्यूजिकल नोट्स और जो टोन्स उसमें दिए गए, वो बड़े ही प्लीजेंट होते थे, जिसका लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर इस्तेमाल किया। डोरबेल्स में नेक्स्ट एवोल्यूशन वायरलेस डोरबेल टेक्नोलॉजी के तौर पर आया। ये टेक्नोलॉजी रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल करके डोरबेल सिस्टम को एक्टिवेट करती थी। इन वायरलेस डोरबेल टेक्नोलॉजी का जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस था, लगाने का जो प्रोसेस था, वो बड़ा ही ईजी होता था, जिसने इनकी एक्सेसिबिलिटी को इम्प्रूव किया, मतलब इनकी पहुंच को और भी ज़्यादा बढ़ाया। ये डोरबेल सिस्टम आज भी दुनिया में कई लोग इस्तेमाल करते हैं। पहले के टाइम में जो डोरबेल यूज़ होते थे उनमें जो ट्यून्स होती थी वो लिमिटेड होती थी, मतलब कि अगर आपको ट्यून या म्यूजिक चेंज करना है तो उसके लिए आपको डोरबेल्स बदलने होते थे। मगर आज के टाइम पर हमें जो डोरबेल्स अवेलेबल हैं उसमें ऑडियो कस्टमाइजेशन के जो ऑप्शंस हमें अवेलेबल कराए गए हैं, उससे होम ओनर्स को ये बड़ा आसान हो जाता है म्यूजिक या टोन को चेंज करना। तो दोस्तों, ये थी डोरबेल की हिस्ट्री और उससे जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। ऐसे ही तमाम और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और हिस्ट्रीज को जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल हिस्ट्री ऑफ एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच।